अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताओबर्ट। मैं इस वक्त दरिया के किनारे हूँ और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा प्लान है कि हम आगे जाएंगे। मेरा तो प्लान है कि मैं LOC तक जाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन आगे एक ब्रिज है, हम वहाँ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सुबह मैं गई थी वो टॉप पर और वहाँ से जो व्यू था ना, वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। वो लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ और वो लोग मुझ पर हंस रहे हैं। खुद तो वो बना नहीं सकते। खैर, यहाँ से जो दरिया है, वहाँ से जो है दरिया, वो दो तरफ से आ रहा है। एक तरफ से उसका ग्रीन पानी और एक तरफ ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो सारा पानी आके दूसरे पानी को टच करता है और आगे जाके दोनों पानी मिल जाते हैं। ये हमारे टूर वाले हैं और ये पिक्चर्स ले रहे हैं। ये हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारा जो टूर गाइड है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ ऊपर हमारे रूम्स थे। रात को हम लोगों ने बॉन फायर किया और हम काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे, लेकिन सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और फिर सबका वेट करती कि उठें और नाश्ता करें और उसके बाद हम लोग आगे एक्सप्लोर करें। तो देखते हैं, आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। Day 3 का ये हमारा व्लॉग है और आपको व्यू दिखाती हूँ और आपको नेचर इन्जॉय करवाती हूँ। मिलते हैं फिर। सही बात है। जीप के ट्रैक के बाद हम लोग ताओबर्ट ब्रिज पर आ गए हैं और यहाँ से इतना प्यारा व्यू मिल रहा है। हेलो तलहा भाई। ये बिहाइंड द सीन्स। उल्टी हो के उल्टो उतरो। हमारे बशिंदे को उतार दे यार। हले हले तुम मेरे को पागल समझते हो? हाँ। ये हम ताओबर्ट ब्रिज पे पहुंच गए हैं। ऐसा व्यू आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये छोटू सा बच्चा भी आया हुआ है, इसने भी हाइकिंग की है, छोटू ने। फोटो सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे जाएंगे और आगे जाके देख एक्सप्लोर करते हैं। तो उनसे भी ले लेती हूँ, इसमें क्या है। आगे जाएंगे और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे इतना प्यारा फूल है। ओह, एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे वहाँ पे ना। अच्छा, सुबह सुबह ताज़ी बर्फ़ पड़ी है और वो पहाड़ सियाचिन के हैं। इन पहाड़ों के पीछे इंडिया स्टार्ट हो जाता है। वो भी पड़ी है, वहाँ पर भी पड़ी है, पता है। अभी हम लोग जाएंगे ट्राउट फिश देखने और LOC भी जाएंगे। ये छोटू जो है हमार, तुमने उसको रुला दिया। हमार वो तुमसे डर गया यार। मेरे से नहीं डरा, वो ये एक्स्ट्रा से डर रहा उस बच्चे से। आप नहीं करते। बेबी रो क्यों रहे हो? आप नहीं करते, आप नहीं करते। हमार तुमने उसको रुला दिया यार। मैंने नहीं रुलाया। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले।
तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। ये आ गया है जी ट्राउट फिश। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्राउट फिश किस साइड पर है। घर के अंदर है ट्राउट फिश। किसने कहा है मन घर में कहाँ से होती है। मुझे वो नीचे पाँव नहीं रखता। हाँ बोले बोले चलो सॉरी और होएगा और होएगा। हेलो लाला मछली किधर है। ये है ताउबर्ड बिल्कुल ना है कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं अच्छा है यार इससे अच्छा नेचर इज ऑलवेज गुड यार नेचर हमेशा अच्छी होती है। इससे अच्छा अड़ंगखेल था। नहीं यार ये भी अच्छा था। मैं अडंग खेल का व्यू पता नहीं मुझे अब अच्छा लगे। हाँ वैसे वो बात तो है लेवल था। हाँ ओ मछली आ गई। वो ये तो इतनी कम है यार ये तो इतनी कम है। नहीं आगे नहीं आ रहा है बस यही है यार आगे भी नहीं है। हेलो मछली और ये इन मछलियों की अम्मी है। हेलो अम्मी ओए किधर गई। ये इनकी अम्मी जो है ना नजर रख रही है कि कहीं ये मेरी बच्चियों को तंग तो नहीं कर रही। ये महान इंसान कह रहा था कि वो मछलियां लेके गए और उनके अंडे निकालेंगे। मछलियां मर जाती हैं पानी में रख के लेके जाती हैं। ओ कोई अंडे नहीं वहाँ पे उन अंडे उधर कोई अंडे खाता है वाला मछली के हैं से वो बच्चे निकालने उन्होंने आगे। क्या 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 कह रहे हैं पता नहीं यही कह रहा है मैंने तो नहीं सुना। यही कह रहा है कि मछली से अंडे निकालेंगे बेटा मछली के अंडे से बाबा पेट कुछ करके निकालते हैं। मल्टीपल होते हैं उसके बाद उनको एक अलग से फॉर्म में जाके वहाँ पे उनको एनवायरमेंट के ऊपर जाना फिर वो हैच कराते हैं। ओके नाइस इन्फॉर्मेशन थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। ये मैंने यहाँ पर दरियाफ्त की है शीप पता नहीं शीप है यहाँ। उई लगता है ये बीमार है। हमें बस कुछ है नहीं तुम्हें खाने के डालने के लिए। इतनी प्यारी हो इतने पौले हो उई उई ऐसा करो टोपी पहनो ऐसे टोपी पहनो अच्छी लगोगी। देख ली ट्राउट बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा थी है ना। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। अब LOC चले लेट्स गो देते हैं वो आगे बैठे में वो जी एक बैठा आगे पता नहीं शायद अभी यहाँ से नजर नहीं आ रहा। अब हम LOC तक जाने भी देंगे या नहीं। ये ममनू इलाका है लेकिन हम यहाँ जाएंगे होते रहो। आपको हर तरफ ना चश्मा बहता हुआ नजर आएगा।
ये अल्लाह ताला की कुदरत है। वाओ, जहाँ लिखा होता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, वहाँ जाते हैं ना, यहाँ आगे जाना सा कोई बात नहीं। 3.5 किलोमीटर कितना बनेगा? थोड़ा सा तो आगे आए तला भाई। किलोमीटर भी नहीं हुआ साइड, 3 किलोमीटर तक आगे LOC आएगी और वहाँ फौजी खड़े होंगे और वो हमें कहेंगे यहाँ पे क्यों आए हो, हम कहेंगे हमने कभी फौजी नहीं देखे, हम सिर्फ आपको देखने आए थे। हमने सोचा था हम आगे तक जाएंगे लेकिन देर हो रही है और हमें हमारे टूर गाइड ने 12:30 का टाइम दिया था, 11:30 भी होते तो हम आगे चले जाते LOC तक, फौजी हम फिर कभी आएंगे मिलने के लिए। यहाँ पर यकीनन चुड़ैलों का बसेरा होगा। क्या कहना चाहते हो? क्या डंडे मारोगे हमें? पढ़ो उसमें क्या लिखा है। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ये पढ़े लिखे होते तो आगे ना जाते। हम वो लोग हैं जो बंद करे तो आ जाओ। और अब हमारा वापस जाने का वक्त आ गया है। ये माई जीप्स खड़ी हुई हैं और अब हम वापस चलेंगे। पिंक वाली जीप हमारी है, क्यूट सी। हमने पहुंच गए शारदा ताउबट की, इतनी सारी जीप की ट्रैवलिंग करने के बाद और अब हमारा रात को यहाँ पर स्टे है और कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। कल सुबह हमारा 5-6 बजे डिपार्चर हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने आपको पसंद न्यूज़ दिखाई है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरी दुआएं करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।